नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड जिसको हम फिशिंग करके जानते हैं, मतलब आपको या तो SMS आता है या तो आपको किसी का कॉल आता है, आपको बोला जाता है कि आपका डेबिट कार्ड है वो ब्लॉक करने वाले हैं, फिर आप उनको अपने डिटेल शेयर करते हो और फिर आपके अकाउंट से पैसे जो है वो चोरी होते हैं। इसको हम आमतौर पर फिशिंग करके जानते हैं। यह अपने देश में बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उसी के चलते एक पिटीशन दाखिल किया है हरिराम मौर्य करके। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दाखिल किया है। आइए जानते हैं कि इन्होंने कौन से मुद्दे ये पिटीशन में रखे हुए हैं। सबसे पहले हरिराम मौर्य करके है, उन्होंने अपने IT मिनिस्टर रविशंकर का हवाला देते हुए बोला है कि अपने देश में ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं वो लगभग अभी तक के ऑनलाइन फ्रॉड की टोटल की जाए तो वो आती है 1800 करोड़ रुपए की। 1800 करोड़ रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड अपने देश में हुए हैं। इवन अपने देश में कुछ वेब सीरीज आई थी, उनका भी उन्होंने हवाला दिया है। जैसे एक वेब सीरीज आई थी जामतारा करके, बिहार की यह वेब सीरीज है, और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, ये जो वेब सीरीज है इसमें अपने को पता चलता है कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड का फिशिंग एक्टिविटी होती है वो कितनी सीरियस है, इस बात का भी उन्होंने हवाला दिया है। अपने देश में लगभग 18% जो इंडियंस है वो सफर किए हैं अब तक ऑनलाइन फ्रॉड के चलते। लगभग 18% भारतीय, 18% भारतीय जो है उनको तकलीफ हुई है ऑनलाइन फ्रॉड के चलते हुए, क्योंकि लोग ऑनलाइन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। वैसे ये हरिराम मौर्य करके है, इन्होंने भी गलती की थी। इन्होंने OLX पे एक सेकेंड हैंड मोबाइल ऑर्डर किया था, तब उन्होंने कुछ डिटेल्स अपने शेयर किए थे और उनके अकाउंट से पैसे जो है वो चोरी हो गए थे। तो इसी के चलते पिटिशनर हरिराम मौर्य जो है वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने ये प्लिया दाखिल किया है, पिटिशन दाखिल किया है, प्ली दाखिल किया है उन्होंने। उन्होंने आर्टिकल 142 के अंदर उन्होंने पिटिशन दाखिल किया है। उन्होंने बोला है कि अपने देश में इसके चलते कोई भी कायदा बना हुआ नहीं है। अपने देश में अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड से सफर करते हो तो आपके लिए कोई भी कायदा नहीं होता है। इवन आप पुलिस स्टेशन में वो गए थे, दिल्ली पुलिस स्टेशन में, तो भी उनकी कोई कंप्लेंट वहां पे रजिस्टर नहीं की गई थी। उनका ऐसा मानना है कि RBI जो है उन्होंने ऐसे अकाउंट लोकेट करने चाहिए और कौन से अकाउंट में पैसे गए हैं वो लोकेट करने चाहिए और 24 घंटे के अंदर ही अंदर जवाब देने चाहिए कि कहां पे आपके पैसे गए हैं। उसके लिए अपने देश में हेल्पलाइन होनी चाहिए, साथ ही साथ अपने देश में ऑफिसेस होने चाहिए, हर जिले में एक ऑफिस होना चाहिए जहां पे आप कंप्लेंट कर पाओ। क्योंकि जब इनके अकाउंट से जब पैसे चोरी हुए थे तो वो FIR दाखिल करने गए थे, लेकिन FIR जो है वो दाखिल नहीं की गई क्योंकि ये केस में FIR लेने के लिए पुलिस ने मना किया था। तो अगर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में अगर कोई चीज नहीं आती है तो पुलिस लोग मना कर देते हैं। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो पुलिस मना करते हैं, पुलिस बोलते हैं कि हम FIR रजिस्टर नहीं करेंगे। तो इनका ऐसा मानना है कि पुलिस जो है उन्होंने भी FIR रजिस्टर करनी चाहिए, 0 नंबर की FIR रजिस्टर करनी चाहिए और इसको ट्रांसफर करना चाहिए ऐसे पुलिस स्टेशन में कि जहां पे आपके पैसे जो है चोरी हुए हैं। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे रखे हुए हैं कि अपने देश में कायदा ही नहीं है। ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद आपके हाथ में कोई भी चारा नहीं रहता, आप बैठे रहते हो, आपके पैसे मिलते नहीं है। आप अगर FIR दाखिल करने गए तो FIR भी पुलिस नहीं लेते, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस में भी कुछ लोग गए थे कंप्लेंट करने, उनकी भी कंप्लेंट नहीं ली गई, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस है उन्होंने भी कंप्लेंट नहीं ली गई, क्योंकि पुलिस लोगों ने कहा कि हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, यहाँ पे हमारा एरिया जो है वो एरिया में ये केस नहीं आता, इसलिए हम ये FIR नहीं लेंगे। तो पुलिस लोगों ने FIR लेनी चाहिए, अपने देश में इसके चलते कुछ कायदे होने चाहिए, और साथ ही साथ RBI जो है उन्होंने एटलीस्ट हेल्पलाइन बनानी चाहिए या फिर हर जिले में कोई ऑफिस है जहां पे जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करो। आपके पैसे अगर चोरी हो रहे हैं तो उसके चलते आपको कुछ तो भी सेवा केंद्र होना चाहिए, ग्राहक सेवा केंद्र होना चाहिए, जहां पे आप OTP सर्विस कुछ तो भी होना चाहिए कि जहां से आप अपने पैसे जो है वो कहां गए हैं, किसके अकाउंट पे गए हैं और कौन अपने पैसे लेके गया, उसकी आपको जानकारी मिले। ऐसे मुद्दे इन्होंने अपने पिटीशन में रखे हुए हैं। तो ये केस के अपडेट हम आपको देते रहने वाले हैं, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकलने वाले हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।